many people have you slept with? बाहर में जाए मेरे को एज अ बंदा जिसकी मुझे असलियत पता चल रही है मेरे को नहीं क्या कर रही है तू. अच्छा व्हाट पार्ट ऑफ माय बॉडी टर्न्स यू ऑन द मोस्ट. What's up guys, welcome back to our YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? So guys, आज की वीडियो में जो हम करने वाले हैं, that is a challenge. और उस चैलेंज के बारे में आपको पल्वी अच्छे से elaborate करेगी. Please elaborate. नहीं मुझे पता नहीं है, मिर्ची लेके आ गई है मुझे यहाँ पे बिठा दी है. मिर्ची खा ले. मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा. हाँ क्या है, ऑब्वियसली खाना पड़ेगा. सो गाइस हम कर रहे हैं ट्रूथ एंड डेयर चैलेंज. तो 5 क्वेश्चंस मैं आप से पूछूंगी, 5 क्वेश्चंस अगर इसकी मर्जी है तो ये पूछ सकता है, अदरवाइज नहीं पूछेगा तो भी चलेगा. ठीक है. और गाइस ये जो बनियान है 5-6 साल पुरानी है मेरी, अब तक की लकी बनियान है मेरी. और चख दे लकी क्या है. लकी तभी मैंने पहनी है आज. ये ट्रूथ एंड डेयर चल रहा ना तो मैंने तभी डाली हुई है. तो सो दैट लकी है. करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक भी कर लो, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि बाद में तो आप लोग पक्का भूल जाते हो. अगर इसने सो ट्रूथ एंड डेयर चैलेंज है, अगर इसने आंसर देना है तो ये आंसर दे सकता है, एंड अगर इसको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना तो इसको ये मिर्ची खानी पड़ेगी. आई गेस तुम समझ चुके हो. मैं समझ चुका हूँ कि मुझे मिर्ची खानी पड़ेगी. बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी गर्ल्स हैव यू किस्ड? गर्ल्स में तो कोई भी आ सकता है, चाहे वो बच्ची हो, आई मीन कजन्स हो, या ना उस टाइप वाला. हां उस टाइप वाला, बिकॉज़ बाकियों में लोगों को इंटरेस्ट नहीं. तब तो तुम 8-10 बोल लो ना, तो सच बोलना है. सो आंसर क्या? आंसर आंसर दो. क्या इसका? हाउ मेनी गर्ल्स हैव यू किस्ड? शाय फील कर रहे हो बड़ा. इसका मुझे जवाब भी चाहिए. इसका क्या आंसर क्यों नहीं दे सकते? आंसर क्यों नहीं दे सकते? मिर्ची क्यों रखी है फिर? मेरी मर्जी है ना, मैं आंसर दूं नहीं दूं, ये तो मिर्ची खा लूं. फक हे बॉय. ओ अब तो बता दो सच. अगला क्वेश्चन पूछो. How many times have you been in love? Only once, and that's you. खा लो मिर्ची, ये झूठ है. सच है. एक तू है और एक obviously family. तो How many people have you dated? Like dated, तुमने किया होगा ना, अगर टाइम पास होगा या whatever it would be like. How many people have you dated? Dated क्या यार, अब मतलब अब तो शादी हो गई यार, बता सकते हो. मैं कोई इतनी भी वो नहीं हूँ, you can तुम बता सकते हो. You are making me feel like तुम मुझसे झूठ बोलते हो, and मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता. Literally Arpit, you are lying to me. तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने कितने लड़कियों को डेट किया मेरे से पहले? मेरे से पहले कितनी लड़कियों को डेट किया? अगला क्वेश्चन पूछ. मर गया मैं. कितनी लड़कियों को डेट किया मैंने? अगला क्वेश्चन पूछ तू जल्दी, नहीं तो फिर मैं उठ के जा रहा हूँ. Have you ever cheated on someone? Cheated on someone? No. In a relationship? No. I never. इतना किया तुमने, चीट तुमने किया नहीं है. तुमने इस वाले क्वेश्चन पे तुमने मिर्ची खा ली. date could be casual, normal dates भी होती है. it is not like कि आप date में ही अगले दिन girlfriend boyfriend. तुमने सच क्यों नहीं बोला मिर्ची क्यों खाई फिर? because I don't remember. अगला पूछ तुम मुझसे, अगला क्वेश्चन पूछ. how many people have you slept with? you फंस गया. फिर से पूछ क्वेश्चन. फिर से पूछ क्वेश्चन. हाउ मेनी पीपल हैव यू स्लेप्ट विद? नो यहां से भी गया, वहां से भी गया. नो अबे साले, फक मुझे तो तुम्हारी रियलिटी समझ में आ रही है अर्पित. यू आर सच अ चीप पर्सन. हो गया पास. क्यों नहीं दिया तुमने इसका? इसका कोई आंसर नहीं बनता. क्यों नहीं बनता?
क्यों नहीं बनता? I'm sorry, can't. क्यों? यार, you said how many people you slept with. बचपन में जब छोटे होते थे तो घर वालों के साथ होते थे, दादी के साथ होता था. There are so many people. तो you can answer that ना? मेरा शौक है ना मिर्ची खाने का मुझे. मार में जाए मेरे को ऐसा बंदा जिसकी मुझे असलियत पता चल रही है. मेरे को नहीं क्या कर रही है तू गेम खेलेंगे ये ऐसी ऐसी ड्रामा नहीं करते. व्हाई आर यू रनिंग? पहले मेरे को सच पहले मेरे को सारे अरे यही था मैं मजाक कर मौज ले रहा हूं. थोड़ा फनी भी तो करना होता है यार. क्या वो मजा थोड़ा ना तेरे दिमाग में टेंशन रहेगी पूरी रात. उसका भी तो मजा ना एक अलग से. तू सोचते रहेगी पूरे दिन बैठ के. गाइस चलिए शुरू करते हैं. अच्छा व्हाट इज योर मोस्ट अनोइंग हैबिट? मेरी अनोइंग हैबिट ये है कि क्या है ये अपना सारा स्ट्रेस मेरे ऊपर निकालती है. दैट्स व्हाट मैं बहुत इमोशनल हूं एंड कभी-कभी कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती हूं. दैट्स अनोइंग समटाइम्स और ऑल द टाइम मे बी. या अच्छा हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग समथिंग एनीथिंग कुड बी कभी चोरी किया हो कुछ? ना आई डोंट नो बचपन में कभी कुछ मुझे याद है तो नहीं कभी भी नहीं. What do you hate most about me? हाँ, तुम्हारा time management. Yeah. क्या time management? अगर suppose हमें कहीं पे जाना है, ठीक है? And ये क्या करेगा अचानक से? इसको पता भी है कि कहीं जाना है, फिर भी ये अपनी एक t-shirt ढूंढने लग जाएगा. वो काम की होगी भी नहीं. या टेबल पे कोई सामान सेट करने लग जाएगा. वो होगा भी नहीं और इसको भूल जाएगा कि हम लोगों ने टाइम पे कहीं जाना है. ये सच. What part of my body turns you on the most? बता. Your teeth. This. Yeah, boy. कितना झूठ बोल रही है just to make it so. seriously, इतने cute हैं. What she mean to say my teeth? So whenever you are in a mood, just do like this. I'll do like this, and she will get on. Such a stupid thing I have heard from someone. It's my teeth. Show. When I show it to her, she get turned on. Show to people. Show to girls. Have you ever checked my phone? Yeah, many times. देखा शक्की एक नंबर की शक्की है ये. मैं तो नहीं करता कभी. मेरा फोन चेक करती है, मैसेज चेक करती है, शक्की लड़की है. Not like this. अब नहीं करती, पहले करती थी. मजा आया. So alright guys, it's time to. आप लोगों को मजा आया होगा. अभी तो इसकी पिटाई होगी वीडियो के बाद. So guys, it's time to end this video and I hope आपको ये हमारा truth and dare अच्छा लगा होगा. अगर नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो. Exactly, please do subscribe. तब तक के लिए bye, good night, enjoy the life, bye bye, see you tomorrow.